नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में आखिरी ओवर में 9 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 152 रन पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 65 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके लगाए। भारतीय कप्तान ने इस मैच में खास उपलब्धि हासिल की। हरमनप्रीत कौर T20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। जी हां, हरमनप्रीत ने इस मैच में 65 रन की पारी के दम पर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। हरमनप्रीत ने T20 क्रिकेट में बतौर कप्तान 1618 रन बना लिए हैं। हरमन ने विराट के 1570 रनों को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम करा लिया है। विराट कोहली ने 50 मैचों में बतौर कप्तान 1570 रन बनाए थे। वहीं हरमनप्रीत कौर ने 74 मैचों में 1618 रन बना लिए हैं। भारत के लिए अब पहले नंबर पर हरमनप्रीत कौर, दूसरे नंबर पर विराट कोहली और तीसरे नंबर पर पुरुष भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 35 मैचों में बतौर कप्तान 1112 रन बनाए हैं। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने भारत के लिए इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। हरमनप्रीत ने भारत को 74 मैचों में लीड करा है, जिनमें से भारत ने 44 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने भारत के लिए 72 मैचों में कप्तानी की है और भारत को 41 मैचों में जीत दिलाई है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।